हेलो ऑल, राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब और शेड्यूल कास्ट बच्चों के लिए टॉप और रेप्यूटेड स्कूल में 25% एडमिशन कोटा है। हर साल फेब्रुवरी टू अप्रैल ये स्कीम चलाई जाती है और ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम से स्कूल्स अलोकेट किए जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म भरना, एडमिशन, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। पूरा पूरा प्रोसेस फ्री है। नर्सरी, जूनियर केजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए एडमिशन होता है और गवर्नमेंट ने हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में इसका हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया है, जहाँ जाके आप जानकारी ले सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। और काफ़ी सारी डिटेल्स तो ये वेबसाइट पे ही यही है, जो वेबसाइट आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये साइट पे जाके हेल्प सेंटर पे आप क्लिक करोगे, यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट डालना है और जब डिस्ट्रिक्ट डालोगे तो ये आपको पूरी लिस्ट आएगी हेल्प सेंटर डिटेल्स की, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन और कहाँ पे ये हेल्प सेंटर है, एड्रेस। एडमिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी भी डिटेल्स भी यहाँ दी गई है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ फॉर्म ओपन होता है, उसमें आपको डिटेल्स दी गई है डॉक्यूमेंट्स के लिए। आपको एड्रेस प्रूफ देना है, अगर शेड्यूल कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट देना है और इनकम सर्टिफिकेट देना है। और जिसके लिए हम एडमिशन ले रहे हैं वो किड का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। काफी डिटेल में दिया है, आप ये चेक कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसका मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। आपको आरईटी 25% रिजर्वेशन में जाना है। इस स्कीम के बारे में ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से हम एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपका फॉर्म नहीं भरा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने करने के लिए आपको ये डिटेल्स फिल करना है, जो रेड स्टार है वो आपको मैंडेटरी फिल करना है। ध्यान रखो आप डेट ऑफ बर्थ सही डालो और मोबाइल नंबर आप जो डालोगे उस पे आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आएगा। बर्थ डेट से कैलकुलेट होगा कि चाइल्ड कौन से स्टैंडर्ड में होना चाहिए। और जब आप फॉर्म फिल करोगे, आगे मैं आपको बताऊंगा, मैंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है और ये मेरा यूजर नेम है और पासवर्ड, ये फर्स्ट टाइम पासवर्ड है। जब आप इससे कनेक्ट करोगे तो आपको पासवर्ड चेंज करना है और जो चेंज करोगे पासवर्ड वो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा। अभी भी मोबाइल पे मैसेज आया मेरे। रजिस्ट्रेशन के बाद जो यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है उससे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। और अभी मुझे पासवर्ड चेंज करना है। न्यू पासवर्ड से फिर से लॉगिन करना है। फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ आपको चाइल्ड की पूरी डिटेल्स फिल करनी है और नीचे आप स्क्रॉल करने के बाद यहाँ चेक एड्रेस लोकेशन, इस पे क्लिक करोगे तो ये गूगल मैप ओपन होता है। आप इसे अलाउड करना और आप जहाँ रहते हो उसके आसपास का लैंडमार्क यहाँ आपको सिलेक्ट करना है और वो लैंडमार्क से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि आपके आसपास कौन सी स्कूल है जो आरटी के अंडर आती है और वो आपको डिटेक्ट होगी। यहाँ मैंने लैंडमार्क सिलेक्ट किया है और आप इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ मैं यहाँ ओके करता हूँ, मेरा लैंडमार्क सिलेक्ट हुआ। यहाँ इंग्लिश में टाइप करना है और यहाँ आप जैसे एक मिनट टैप करोगे तो ये ऑटोमेटिक मराठी में कन्वर्ट होगा। सी, अगर नहीं हो रहा है तो आप इंग्लिश में ही टाइप करना, कभी कभी इश्यूज आते हैं तो भी चलेगा, फॉर्म सबमिट हो जाता है, कोई इशू नहीं।
मैंने फॉर्म ऑलमोस्ट भर दिया है, और ये डेट ऑफ बर्थ आपने जो रजिस्ट्रेशन टाइम के यूज करी है वही यहाँ आएगी, और यहाँ ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट होगा जब आप यहाँ से लैंडमार्क सिलेक्ट करते हो। यहाँ आपका एड्रेस फिल करना है और ये डिटेल्स आपको फिल करके सेव और नेक्स्ट करना है। नीचे सेव करने के बाद आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और ये फॉर्म आपको फिल करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आप जो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करोगे वो कैलकुलेशन करके या स्टैंडर्ड अपने आप डिटेक्ट होगा। तो एज पर माय चाइल्ड डेट ऑफ बर्थ अभी वो सीनियर केजी में होना चाहिए और उसके लिए मुझे एडमिशन लेना है। आपको मीडियम सिलेक्ट करना है, ऑप्शन में भी इंग्लिश ही डालना है। ऑप्शन टू मुझे इंग्लिश हाइड हो रहा है तो फिलहाल मैं यहाँ हिंदी सिलेक्ट करता हूँ, बट फर्स्ट ऑप्शन मेरा इंग्लिश ही है। यहाँ आपकी कास्ट सिलेक्ट करनी है, जो सब कास्ट है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करनी है। अगर आपका शेड्यूल कास्ट में आते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है। आप शेड्यूल कास्ट में एप्लीकेशन नहीं कर रहे हो और गरीब के कैटेगरी में एप्लीकेशन करना है तो यहाँ आपको आपकी सालाना एनुअल इनकम डालनी है, और वो सालाना एनुअल इनकम आपकी 90,000 से 1 लाख से कम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ 90,000 सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं यहाँ वो टिक करने हैं, एड्रेस प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट अगर पुअर कैटेगरी में हम एप्लीकेशन भर रहे तो, और चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट। और उसके बाद यहाँ सेव करना है और फिर स्कूल सिलेक्शन में आएंगे। डिटेल सेव हो गई, यहाँ से आपको स्कूल सिलेक्ट करनी है। आपने जो मैप में आपका लोकेशन सेट किया था वो हिसाब से यहाँ स्कूल्स अलोकेट होगी विदिन 1 किलोमीटर। ये मुझे स्कूल्स दिख रही है, यहाँ से मुझे जो स्कूल चाहिए उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। विदिन 1 किलोमीटर अगर कोई स्कूल नहीं है तो आपको यहाँ मैसेज आएगा स्कूल नॉट अवेलेबल, तो आपको विदिन 3 किलोमीटर चेक कर सकते हो। और यहाँ मुझे स्कूल्स डिटेक्ट हो रही है, आपको जो स्कूल चाहिए वो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे सिलेक्ट करके आपको विदिन 1 किलोमीटर डिस्टेंस, 1 to 3 किलोमीटर डिस्टेंस, आपका प्रिफरेबल स्कूल कौन सा है वो देख के आपको सबमिट करना है। जो स्कूल सिलेक्ट करना है उसे टिक करो और नीचे सबमिट करना है। मैंने सेव कर दिया। उसके बाद समरी चेक करना है, अगर आपने जो डिटेल्स भरा है सब करेक्ट है और कुछ भी इश्यू है तो यहाँ से आप डिलीट एप्लीकेशन कर सकते हो। आपका पूरा एप्लीकेशन डिलीट होगा और फिर से आप रजिस्ट्रेशन करके न्यू एप्लीकेशन कर सकते हो। एडमिट कार्ड मीन्स अगर आपका लॉटरी में नाम आया तो यहाँ डिटेल्स शो होगा, और आपका फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो समरी में दिख रहा है उसका प्रिंटआउट और एप्लीकेशन एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट लेना है, और आपने जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ टिक किए हैं उनका सबका वो सब डॉक्यूमेंट्स लेके आपको नियरेस्ट ब्रांच में जाना है। उसका डिटेल्स मैंने पहले ही आपको बताया, जो हेल्पलाइन सेंटर है या जो स्कूल आपने दिया है वो स्कूल में जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू।